नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो एंड कैसा का है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नमन गुप्ता फ्रॉम कार सोनिक्स मिनिस्टर रोड हैदराबाद। एंड आज हमारे सामने आई है ये किया की सबसे बेस्ट वेरिएंट व्हीकल, दैट इज द किया सोनेट HT-E मॉडल। दोस्तों है तो ये अभी बेस वेरिएंट बट सिर्फ कुछ ही पल के लिए, क्योंकि हम इसके अंदर जो एक्सेसरीज इंस्टॉल करने वाले हैं वो एक्सेसरीज इंस्टॉल करने के बाद कोई बोल नहीं सकता कि ये वही बेस वेरिएंट किया की सेल्टॉस गाड़ी है। आपको बस एक ग्लिम्स देने के लिए मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। इसकी सामने की ग्रिल पूरी तरीके से ये जो मैट ब्लैक एंड सिल्वर की है पूरी रिप्लेस होकर आने वाली है ग्लॉसी ब्लैक विथ प्रॉपर क्रोम ओवर हियर एंड दैट टू द GT लाइन स्टाइल, मतलब उसके अंदर होगा वो रेड कलर के डॉटेड स्टाइल ग्रिल ओरिजिनल किया। इसके हेडलाइट्स के अंदर जो येलो कलर के हैलोजन बल्ब्स है हम उसे भी एज इट इज निकाल कर उसे अपग्रेड करने वाले हैं बाय दीज अमेजिंग वाइट कलर Zenark LED लाइट्स, यू विल लव देम। इसके अंदर जो इधर डमी प्लास्टिक है, कोई फॉग लाइट ही नहीं है, हम ये डमी प्लास्टिक निकाल कर देने वाले हैं आइस क्यूब फॉग लैम्प। यू हर्ड इट राइट दोस्तों, आइस क्यूब फॉग लैम्प आने वाला है उधर। उसके अलावा सामने की तरफ में बॉडी फिट स्टाइल फ्रंट बम्पर आ रहा है, अ लॉट ऑफ अपग्रेडेशन ऑन द साइड्स जो होने वाले हैं, थोड़े ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़े अभी इन प्रोग्रेस है। डोर्स के अंदर अमेजिंग स्पीकर्स अपग्रेड आने वाले हैं, ये कंपनी का ओरिजिनल डोर पैड होता है, जब स्पीकर फिट होता है देर इज़ अ लॉट ऑफ रैटलिंग साउंड क्रिएटेड बाई दीज चैनल मोटर स्विचेस एंड ऑल। हम उधर प्रॉपर करने वाले हैं डबल डैम्पिंग, आप देख सकते हो उधर डोर पर ऑलरेडी डैम्पिंग का काम चालू है एंड दैट इज़ बाई मेगा ऑडियो 2.4 mm थिकनेस डैम्पिंग शीट। इसके स्टेयरिंग कंट्रोल्स एज सच बेसिक में आते नहीं है, यू गेट विदाउट एनी कंट्रोल्स ओवर देयर। हम इधर एज इट इज़ रिप्लेसमेंट स्टाइल स्टेयरिंग कंट्रोल्स डाल रहे हैं, एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम आने वाला है, ब्यूटिफुल सीट कवर्स डालने वाले हैं। इसकी जो रिमोट लॉकिंग है, जो चाबी भी है, इस तरीके से ऑर्डिनरी आती है, हम इसे अपग्रेड करने वाले हैं टू दी ओरिजिनल किया फ्लिप टाइप रिमोट लॉकिंग की। सो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग अपग्रेड्स आ रहे हैं गाड़ी में, रेयर रिफ्लेक्टर लाइट्स आ रहे हैं, रेयर डिफ्यूज़र आ रहा है, स्टे ट्यून्ड, थोड़ा दिल थाम के बढ़िया क्योंकि आप लोग को ये काम होने के बाद जो देखने में मिलेगा यू वुड लव देम गाइस। सो दोस्तों आप देख सकते हो ये इंस्टॉलेशन पूरे ही ज़ोरों से चालू है इधर, ये हमारी मोबाइल इंस्टॉलेशन वैन है जो दुकान के ही सामने आकर हम प्रॉपर गाड़ी के अंदर पूरी जैक करके टायर एंड अलॉयज अपग्रेड करते हैं। ये गाड़ी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के साथ ये 15 इंचेस के टायर आते हैं 195/65R15। हम एज इट इज़ ये टायर को निकाल कर उसके जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं बाय दिस 205/65R16 टायर्स। एंड दोस्तों अलॉयज तो देखो एक बार, मतलब लिटरली नज़र ना हटे, दे आर लुकिंग सो रॉयल एंड अमेजिंग। एंड ये सब काम हो रहा है हमारे ही दुकान के सामने लाइव इन फ्रंट ऑफ यू इन एन अमेजिंग वे। तो अभी आई एम वेरी ईगर टू सी द एंड रिजल्ट ऑफ दिस कार एंड मैं श्योर हूँ कि आप लोग भी उतने ही ज़्यादा एक्साइटेड है, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों अब हमारी ये सोनेट हो चुकी है पूरी तरीके से एक्सेसराइज एंड ट्रस्ट मी, अब ये जो गाड़ी दिख रही है कोई बोल नहीं सकता है कि दिस इज़ द सेम बेस वेरियंट HT-E मॉडल। टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले जो हमारी इसमें नज़र पड़ती है इज दिस ब्यूटिफुल फ्रंट ग्रिल ओवर हियर द GT लाइन स्टाइल। दिस इज़ दी ओरिजिनल किया फ्रंट ग्रिल रिप्लेसमेंट स्टाइल जो हमने इस गाड़ी के अंदर डाला है। आप देख सकते हो इसके जो बॉर्डर में यू गेट दिस प्रॉपर क्रोम फिनिश, इट इज़ जस्ट नॉट अ क्रोम ओवर देयर दोस्त, इट इज़ अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट टाइप ग्रिल। इसकी जो फिनिशिंग भी है क्रोम के ऊपर, इट इज़ इन दैट एग्जैक्ट क्रिस क्रॉस शेप ओवर हियर। सेंटर में जो ग्लॉसीनेस भी है, जो रेड कलर के इसमें अप्लीक्स आ रहे हैं, ट्रस्ट मी इट्स मेक्स द व्हीकल स्टैंड आउट। थोड़ी बरसात हुई थी उसके वजह से आपको एक थोड़ा डिस्टॉर्शन सा फील होगा, बट इट इज़ अ क्लास ऑल्टोगेदर डिफरेंट, ओरिजिनल किया जेन्यून एक्सेसरी। इसके अलावा हमने इसे सामने के तरफ में दिया है ये ABS क्वालिटी का फ्रंट डिफ्यूज़र, इट इज़ अ वेरी हार्ड क्वालिटी ABS मटेरियल, एयरबैग्स कंपैटिबल होते हैं एज पर नॉर्म्स है पैन इंडिया, एज पर RDA पीपल नो इश्यूज एट ऑल। एंड डालने के बाद जो लुक भी है आपको जैसा इधर एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट साइड से कवर करेगा, एक सिंगल परसेंट गैप नहीं, गोज अप टू दैट एक्सट्रीम कॉर्नर मोस्ट एरिया, तो कोई भी आके सामने से मारो कुछ भी रहो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। इसके अलावा हमने जो इस सोनेट में एक थोड़ा हटके आइटम दिया है जिससे जो गाड़ी का लुक बहुत ज़्यादा एक टॉप ऑफ द लाइन लुक आता है, इज़ द ट्राई
आइस क्यूब फॉग लैम्प। भाई मैं जब गाड़ी स्टार्ट करूँगा, नॉर्मली सोनेट में इधर आपको रेगुलर प्रोजेक्टर लेंस फॉग लाइट आते हैं, हमने इधर दिया है प्रॉपर आइस क्यूब फॉग लैम्प जो दोनों तरफ में ऑटोमेटिकली ब्राइटन अप हो जाएंगे। एंड हेडलाइट्स के अंदर उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमने इसमें दिए ज़ेनार्क लाइट किट्स जो ऑन करते ही 100 मीटर्स की रिटर्न गारंटी देते हैं। जस्ट लुक एट दिस फोकस गाइस, मतलब लिटरली पूरी रोड आगे चमक जानी चाहिए, उस तरीके का फोकस है। जब मैं इंडिकेटर डालूंगा तो आप देख सकते हो दैट द सेम आइस क्यूब फॉग लैम्प विल कीप रनिंग इन ऑरेंज कलर मैट्रिक्स स्टाइल। इजंट इट लुकिंग अमेजिंग, मतलब सामने से जो इसके अपग्रेड्स हुए हैं मज़ा आ गया है गाड़ी में देखकर। अब इसी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो साइड एंगल से हमने इसे अपग्रेड करा है, सबसे पहले हमने इसमें एड ऑन करा है ये प्रॉपर रूफ रेल्स ओवर हियर, ये ABS क्वालिटी के रूफ रेल्स है। आपको एक सिंगल MM गैप नहीं दिखेगा बिटवीन द रूफ रेल एंड द कार्स बॉडी। ड्यूअल टोन कलर में है, ब्लैक एंड सिल्वर, एग्जैक्ट द सेम स्टाइल जैसा टॉप एंड में आता है। यू विल फाइंड क्रोम लाइन डोर वाइजर्स, यू विल फाइंड साइड बीडिंग क्रोम, ऑल अवेलेबल एट आ प्लेस। एंड जो गाड़ी का मोस्ट अपीलिंग लुक दे रहा है आर दी 16 inches प्रॉपर टायर्स लोडेड विद एलॉयज ऑफ प्रॉपर डायमंड कट इन देम। दोस्तों ये कोई कंपनी के स्टॉक एलॉयज नहीं है, क्योंकि स्टॉक एलॉयज का जो रोड ग्रिप होता है इट इज़ पैथेटिक, इसीलिए शायद से मेरे पास कई सारे कस्टमर्स वो एलॉयज निकाल कर अपग्रेड करते हैं बाय द आफ्टर मार्केट परफॉर्मेंस व्हील्स। ये जो एलॉयज है दीज आर इन 16 inches परफॉर्मेंस सीरीज एलॉयज है। डालने के बाद जो रोड ग्रिप और जो साइड वॉल स्ट्रेंथ मिलता है टायर्स को, इट इज़ अ क्लास ऑल टुगेदर डिफरेंट। एंड आप जब गाड़ी चलाओगे यू कैन एक्चुअली फील द डिफरेंस, एक हाई स्पीड पे भी गाड़ी को वॉबल होने का चांस ही नहीं है। इसके अलावा जो हमने गाड़ी के रेयर साइड में डाले हैं आर दीज अमेजिंग रिफ्लेक्टर लाइट्स ओवर हियर। दोस्तों ये आपको इधर जो डमी प्लास्टिक आता है वो डमी प्लास्टिक को निकाल के उसके जगह पे आएंगे दोनों तरफ में ये प्रॉपर रिफ्लेक्टर लाइट्स। पार्किंग ऑन करते ही यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एन इल्यूमिनेशन। जब मैं ब्रेक मारूंगा तो द सेम इल्यूमिनेशन विल यू नो हिट इन 100% ब्राइटनेस। एंड जब मैं इंडिकेटर डालूंगा यू कैन सी दैट दे विल कीप रनिंग इन द प्रॉपर मैट्रिक्स स्टाइल। इजंट इट लुकिंग कूल गाइस। इसके अलावा सामने का आपने जैसे जो बम्पर देखा था उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए पीछे के तरफ में हमने डाला है ये डबल डिफ्यूज़र ओवर हियर। मतलब ये एक बम्पर है बट बम्पर के जैसा फील नहीं देगा, प्रॉपर पीछे डबल डिफ्यूज़र आएगा आपको जो दोनों लेफ्ट एंड राइट के तरफ में एग्जॉस्ट के जैसा डमी एग्जॉस्ट के जैसा लुक देगा। बट डालने के बाद वेरी क्लासी एंड ट्रेंडी लुक, नो डाउट अबाउट इट। अब हम बात करेंगे गाड़ी के इंटीरियर्स के, द एक्सेसरीज व्हाट वी हैव इंस्टॉल्ड इनसाइड द कार। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा था इज दिस की ओवर हियर जो हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। दिस इज अ प्रॉपर रिमोट लॉकिंग की ऑफ दिस कार। नाउ आपने पहले देखा था कितना ऑर्डिनरी चाबी थी इसकी जो यू नो इसी किचन पे लटकी हुई थी, हमने कोई हैंगिंग रिमोट्स रिमोट लॉक के नहीं दिए, प्रॉपर ओरिजिनल किया बैजिंग के साथ हमने इस गाड़ी के अंदर दी है प्रॉपर किया स्टाइल में फ्लिप टाइप की, जो बटन दबाते ही ऐसा चाबी बाहर निकल के आएगी। इजंट इट लुकिंग कूल, मतलब आप हाथ में भी पकड़ोगे तो इसका जो वजन है एक अलग ही आपको टॉप एंड की जैसी लुक एंड फील दे ही देगा। इसके अलावा हम डोर ओपन करते ही सबसे पहले हमारी जो नज़र पड़ती है एड टू दीज ओरिजिनल किया स्कफ प्लेट्स ओवर हियर। दीज आर नॉट एनी इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स, ये प्रॉपर फाइबर में है जो यू नो इकोनॉमिकली वैल्यू फॉर मनी एंड एक प्रीमियम लुक देता है। द लाइट्स एंड ऑल आर नाउ अ लिटिल आउटडेटेड, दिस इज समथिंग विच इज ट्रेंडिंग आई वुड से। अंदर पूरी कारपेट एरिया को कवर करते हुए फुल मैटिंग डाली गई है जो आपको पूरा कारपेट एरिया कवर कर देगी, 100% वाटर प्रूफ कर देगी, तो कुछ भी गिरता करता है, बरसात का टाइम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो दिस इज़ अ मस्ट हैव एक्सेसरी फॉर योर कार। हमने इस गाड़ी के अंदर एन अमेजिंग प्रोडक्ट जो डाला है आर दी स्टेयरिंग कंट्रोल्स। जस्ट लुक एट देम दोस्तों, जैसा आपको टॉप एंड गाड़ी के अंदर इनबिल्ट स्टेयरिंग के कंट्रोल्स आते हैं सेम उसी स्टाइल में आपको इसके भी कंट्रोल्स आ गए हैं। दीज आर प्रॉपर कस्टमाइज्ड कंट्रोल्स जो पहले इधर डमी प्लास्टिक आते थे सेम उसको निकाल कर ओरिजिनल स्टेयरिंग कंट्रोल्स डाले गए बाय किया। मतलब मुझे इधर सिस्टम के कंट्रोल्स में
वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट सॉन्ग प्रीवियस सॉन्ग, फोन उठाना है कट करना है, म्यूट मोड, सब काम करेगा एज इट इज। एंड जस्ट लुक एट द फिटिंग, दिस इज द ओरिजिनल किया स्टेयरिंग कंट्रोल्स दोस्तों, मतलब नन ऑफ देम आर दोज रेगुलर आफ्टर मार्केट स्टेयरिंग कंट्रोल्स। इसके अलावा हमने इसे भी दिया है प्रॉपर इधर रूफ लाइट विद सनग्लासेस होल्डर, मेड फॉर सोनेट व्हीकल, जहाँ पर आपको यू नो प्रॉपर रूफ लाइट वगैरह आएंगी, अंदर व्हाइट लाइट्स कन्वर्ट कर दिए हमने, विच आर सीरियसली सुपर ब्राइट। अब अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सेसराइजेशंस, आप उधर से आइए, मैं आपको बताता हूँ अबाउट एन अमेजिंग प्रोडक्ट। हमने इस गाड़ी के अंदर अपग्रेड करा है ये म्यूजिक सिस्टम टू एन अमेजिंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम दोस्तों। इधर मेरा इंटेंशन आपको म्यूजिक सिस्टम बताने का नहीं है, मेरा मेन इंटेंशन इधर आपको बताने का है इसका इंस्टॉलेशन। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यू माइट हैव सीन अ प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक पैनल मेड फॉर सेल्टोस, जो मेड फॉर सोनेट, जो सेल्टोस के तरफ पूरा एरिया कवर करता है। आज तक जितने सेल्टोस में अपने म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करे होंगे, सेम मैट ब्लैक पैनल के ऊपर एक प्लास्टिक का फ्रेम लगाकर सेंटर में सिस्टम देखा होगा। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फ्रेम हमने इसमें डाला है, जो गाड़ी का एक लुक ही नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव कर दिया है। सिस्टम के अंदर इट हैज़ गॉट ऑल द बेसिक फीचर्स, कैपेसिटर टच है, पेन ड्राइव बॉक्स, रेडियो, ब्लूटूथ, मूवीज वॉचिंग ऑप्शन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, प्ले स्टोर एक्सेस है, इसमें रनिंग में वीडियोस देख सकते हो, फुल एचडी क्लैरिटी में देखेगा, रिवर्स गियर डालते कैमरा रहेगा, गूगल मैप्स है, नेविगेशन है, यूट्यूब है, सब है इसमें, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। बट इसको जो वैल्यू फॉर मनी दे रहा है हमारे गाड़ी में इज आई फील दिस अमेजिंग फ्रेम ओवर हियर, वन ऑफ आवर हाईलाइट्स इन दिस व्हीकल दोस्तों। इसके अलावा हमने इस गाड़ी के अंदर जो सीट कवर्स भी इंस्टॉल करे हैं, जिसके लिए आपको बाहर जाना होगा, आप देख सकते हो, आर दीज अमेजिंग वेंटिलेटेड सीट कवर्स फ्रेंड्स। दीज आर ली ड्राइव ब्रांड विच इज़ एन ISO बेस्ड कंपनी, 1.6 mm थिकनेस पॉलीयूरेथीन विद सेंटर टोटल वेंटिलेशन। तो अपन जब रेस्ट करते हैं यू विल हैव दैट प्रॉपर एयर फ्लो इन इट, स्किन टाइट शेप में बैठ जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर। आप खाली इसकी स्टिचिंग और फिनिशिंग देखिए, एक बार नज़दीक आइए, जस्ट मतलब एक स्टिचिंग पे थोड़ी नज़र डालेंगे एक्स्ट्रा, ताकि आपको एक यू नो सिमेट्री इसमें जो है आपको एक आइडिया आए। इवन द हेडरेस्ट आप देख सकते हो कैसा ब्यूटिफुली स्टिच करा हुआ है, वो ऑर्डिनरी हेडरेस्ट के जैसा कोई गमिंग नहीं, इट हैज़ गॉट एन ओरिजिनल जिप स्टाइल सिस्टम ओवर हियर, जैसा हमारे पूरे टॉप एंड कार्स वगैरह में आता है प्योर लेदर के सीट्स में। एंड आप देख सकते हो एवरीथिंग इज इन सच अ क्लास वे, यू गेट अ लॉट ऑफ कलर ऑप्शंस इन दिस, दिस इज जस्ट वन ऑफ आवर ऑप्शंस, आर्टिको लेदर सीट्स बोलते हैं इसे, क्वालिटी वाइज मटेरियल वाइज इससे बेटर सीट कवर्स बने नहीं है दोस्तों। समर्स वगैरह में स्मेल भी आती है, सिंपली रिमूव इट ऑफ, दैट इज माई गारंटी। तो दोस्तों अभी आपने देखा हमने इस गाड़ी को किस तरीके से किया है एक्सेसराइज, दिस इज नो लॉन्गर द सेम सोनेट HTE जो हमारे पास पहले आई थी, राइट फ्रॉम द फ्रंट टू द रेयर टू द साइड्स टू द इंटीरियर्स ऑफ द कार, हर चीज़ इसमें टॉप नॉच डाली गई है। अगर आपको काम पसंद आया हो, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेस द लाइक आइकन ओवर देयर, एंड जी हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करिए, बिकॉज जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे द मोर विल आई गेट मोटिवेटेड टू शो यू अमेजिंग कंटेंट एवरी डे। This is Naman Gupta over here signing off for Carsonics, Minister Road, Hyderabad. Thank you so much.